मॉर्निंग क्लास, आज हिंदी बसंत में मैं आपको पार्ट दो लाभ की चूड़ियाँ पढ़ाऊंगी। पहले शब्दार्थ देख लीजिए, फबना शोभा देना, चाव तीव्र इच्छा, पैतृक पूर्वजों का, खपत माल की बिक्री, कसर कमी, नाजुक कोमल। अब लाभ की चूड़ियाँ जो कहानी है उसको मैं कुछ शीर्षकों के आधार पर आपको बताऊंगी। पहला है इसमें बदलू और लेखक। बदलू कौन था और लेखक का और बदलू का क्या संबंध था? बदलू इस कहानी का मुख्य पात्र भी है और बदलू एक मनिहार था। मनिहार कहते हैं जो चूड़ी बनाता है और चूड़ी बेचता है। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था और लेखक के मामा के गांव में रहता था। और लेखक अपने मामा के गांव हर गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे और उन्हें वहां जाने का बेसब्री से इंतज़ार भी रहता था, क्योंकि जो बदलू थे वो उनको लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाकर देते थे। और लेखक बदलू को बदलू काका ही कहता था, क्योंकि उसके जो और भाई बहन थे, उसके मामा के बच्चे जो थे उसके भाई बहन, वो उनको काका कहते थे। इसलिए बदलू को लेखक भी काका ही कहता था, जबकि वो उसके मामा के गांव में रहता था तो वो उनको उसको मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो उनको भी उनको काका ही कहता था। और बदलू लेखक का बहुत ध्यान रखता था, उनको खाने पीने की चीज़ें देते थे, उनको उनके लिए दूध अगर उनके घर होता था तो उसकी मलाई ही देते थे, उनको आम के सीज़न में आम होता ही है गर्मियों में, तो गर्मियों में बहुत अच्छे जो आम होते थे वो उनको खिलाते थे। तो लेखक छोटे थे तो उस समय इन सब चीज़ों की वजह से वह भी बदलू को बहुत प्यार करते थे और उनका गर्मियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते थे कि उनकी बदलू से मुलाकात होगी और उनको वो रंग बिरंगी कांच लाख की गोलियाँ मिलेंगी। दूसरा है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु के बदले पैसा न लें, कोई वस्तु ही लें। तो जो बदलू था वो चूड़ियाँ बेचता था, वो चूड़ियों के बदले कोई भी पैसा नहीं लेता था, उसके वो चूड़ियों के बदले कोई ना कोई चीज़ लेता था, जो उसकी आवश्यकता जिस चीज़ की उसे आवश्यकता होती थी उस चीज़ को लेता था। तो जब हम वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु लेते हैं तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। थैंक यू।